लोगों को एक बहुत ही अच्छा योग बताने के लिए आया हूँ जिसका नाम है पूर्ण चंद्रोदय रस। तो ये भैषज रत्नावली में वाजीकरण रोगाधिकार में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जो पूर्ण चंद्रोदय रस है उसमें पारा जो रहता है वह स्वर्णग्राही बनाने का पहले के जमाने में पद्धति था, लेकिन आजकल उतना मतलब 18 संस्कार करके पारा को उतना वो संस्कारित नहीं किया जाता है कि वह स्वर्ण को ग्राही कर ले, स्वर्णग्राही हो जाए। तो ऐसे पारा गंधक, अब मैं जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और इसका कौन कौन से व्याधियों में कैसे उपयोग होता है वह मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। तो पूर्ण चंद्रोदय रस जो है वह वाजीकरण रोगाधिकार भैषज रत्नावली में बताया गया है। तो पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद में आप लोगों को उसका सारा जो घटक द्रव्य है वह बताऊंगा और फिर इसका गुणधर्म अलग अलग व्याधियों में कैसे होता है वह सब मैं आप लोगों को विस्तार से बताने के लिए आए हूँ। तो पहले श्लोक में ऐसा बताया है कि पलम मृदु स्वर्ण दलम रसेन्द्रात पलाष्टकम षोडश गंधकस्य शोणेषु कार्पास संभवे प्रसुनहे सर्वं विमर्दत कुमारिकाद्भिः तत्काचुकुबे निहितम सुगाढ़े मृतकर्पटिभिश्च दिवसत्रयम् च पचेत् कर्माग्नौ सिताख्य यंत्रे ततो रजः पल्लवराग रम्यम् संग्रह चैतस्य फलम च सम्यक फलम च कर्पूरजस्तथैव जातिफलम शोषणमिन्द्र पुष्पम मृगांडजम चापि ही शाणमेकम चंद्रोदयोऽयं कवितोऽयस्य वल्लो भुक्तो हि वल्लीदल मध्यवर्ती मदोन्मतानां प्रमदाशतानां गर्वाधिकं शल्यते यत् काण्डे घृतं घनीभूतमतीव दुग्धं मृदुनि मांसानि समण्डकानि मांसान्नपिष्टानि भवन्ति मध्यापथ्यानन्दाद्यन्यपराणि चात्र वलीपलितन्नाशनंसु तनुभृतां वयस्तम्बनः समस्तगद खण्डनः प्रचुररोगपञ्चाननः गृहेऽपि घृतभूपतिर्भवति यस्य चन्द्रोदयः स पञ्चशरदर्पितो शरदर्पितो मृगदशां भवित वल्लभः। इतना बढ़िया ये कल्प है जिसका नाम है पूर्ण चंद्रोदय रस। ऐसा जो है अलग अलग मार्केट में आते हैं जिसको हम सिद्ध मकर ध्वज भी बोलते हैं, स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज या पूर्ण चंद्रोदय रस या सादा मकर ध्वज, इसी से मिलता जुलता सारा ये कुपिपक्व रसायन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और अगर शुद्ध रूप से पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सिद्ध मकर ध्वज है उसमें कुछ और कंटेंट्स रहते हैं या स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज में भी कुछ और रहते हैं, लेकिन ये पूर्ण चंद्रोदय शुद्ध रूप में यह वाजीकरण के लिए बताया गया है। तो इसमें बताया है कि सूक्ष्म स्वर्ण पत्र ले लेना है एक पल की मात्रा में, मतलब 8 तोला की मात्रा में ले लेना है और विशुद्ध पारद भस्म जो है वह पारद भस्म ले लीजिए या पारद ले लीजिए। पारद भस्म तो नहीं होगा वो, इसमें पारा और गंधक मिला के जो कज्जली होती है वो लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ण भस्म लेना है। कितना? 8 तोला लेना है या स्वर्ण का पत्र लेना है एक पल या 8 तोला की मात्रा में लेना है, और पारद जो है वह 64 तोला या 8 पल की मात्रा में लेना है। इनको एकत्र कर लेना है और उसको मर्दन करते रहना है। मर्दन करते करते इतना मर्दन करना है कि पारा जो है वो पूरा स्वर्ण को एक्सेप्ट कर ले, पूरा मतलब वो एक तरह से मतलब पारा ही कन्वर्ट हो जाएगा, वो पारा रूप में ही दिखने लगेगा, लेकिन उसमें स्वर्णग्राही होने की वजह से वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा स्वर्ण। उसके बाद में उसको इतना मर्दन किया जाए, जितना मर्दन किया जाएगा वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें गंधक चूर्ण डाल देना है। कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि पहले पारा गंधक का कज्जली बना के फिर स्वर्ण डालना चाहिए। कुछ आचार्य बोलते हैं कि नहीं, पहले पारा और स्वर्ण इसको घोट के एक एक करके और उसके बाद गंधक डालना है। तो गंधक जो डालना है वो 16 पल की मात्रा में है। भैषज रत्नावली जिन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि पहले पारा और गंधक का एकत्र करके फिर बाद में गंधक डालना है और उसमें 16 पल की मात्रा में गंधक डाल देते हैं और उसका कज्जली बना लेना है। और उसके बाद में लाल कपास जो रहता है, कॉटन सीड्स जो रहते हैं, लाल कपास के फूलों का रस, मतलब उसके जो फूल रहते हैं ना, फ्लावर्स का रस लेना है और घृत कुमारी इनके रस में मर्दन करके शुष्क कर लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद में ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा तो एक कांच कुपी लेना है, एक बॉटल लेना है और उसमें भर देना है। और उसके बाद में मृदु मध्य और तीक्ष्ण अग्नि देना है, वो भी वालुका यंत्र में देना है। पहले मृदु और मध्य अग्नि देके और उसको जलाना है, मतलब वालुका यंत्र को नीचे से अग्नि देना है। वालुका यंत्र में धीरे धीरे ऊष्मा मिलेगी तो इसमें प्रोसेसिंग होते जाएगा। जब वो धीरे धीरे वो पकते 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 उसमें से ज्वालाएं निकलने लगेंगी, फिर क्या करना है। और ये एक प्रोसेस का एक महत्व है कि इसी तरह से ये अगर बनाया जाएगा, जितना वो संस्कारित होगा धीरे धीरे मृदु अग्नि से मध्य अग्नि जाएगा फिर तीक्ष्ण अग्नि जाना चाहिए। तो मृदु और मध्य अग्नि में जब ज्वालाएं निकलने लगे
तो फिर क्या होता है कि उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें ना वो जो लोहे का जो शलाई होता है उसे ऐसे ऐसे खरुच खरुच करते हैं। फिर उससे क्या होता है कि अंतर धूम विधि से यह वहां पे धुआं बन जाता है, अंदर ही अंदर धुआं बन जाता है, तो अंतर धूम विधि से पकने लगता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो खटिका निर्मित, मतलब जिसमें ये लाइम है, खटिका निर्मित जो रहता है ऐसा बोतल का एक ढक्कन रहता है, उससे बना हुआ रहता है, और उससे वो ढक्कन लगा दिया जाता है। और उसके बाद में रक्तवर्ण की जो औषधि है, मतलब ऐसे बना के, और फिर तीव्र अग्नि दिया जाता है। तीव्र अग्नि देने के बाद फिर वो जब वो ठंडा हो जाता है उसमें कुछ द्रव्य मिलाते हैं, जो वो पाउडर मिलता है कांच कुपी के अंदर, वो पाउडर ले लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं अच्छे से बोतल से। और उसके बाद में वह निकालने के बाद उसमें क्या क्या डालते हैं, तो कर्पूर चूर्ण डालते हैं। ये औषधि एक पल की मात्रा में ले लेते हैं, कर्पूर चूर्ण एक पल की मात्रा में लेते हैं, जायफल लेते हैं, काली मिर्च ले लेते हैं, लवंग ले लेते हैं, कस्तूरी ले लेते हैं, सभी आधा आधा तोला की मात्रा में ले लेते हैं। फिर एकत्र मिश्रित करके दो दो रत्ती की गोलियां बना लेते हैं, दो रत्ती मतलब 250 mg की गोलियां बना लेते हैं। और फिर इसको पान के पत्ते में लेके, ये गोली को लेके और चबा चबा के चूस चूस के खाना है, और सब लिंग गोली इसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। इस तरह से यह पूर्ण चंद्रोदय रस का सेवन विधि बता दिया। तो ये क्या क्या फायदा करता है, तो ये रति शक्ति मतलब मैथुन की शक्ति को बढ़ा देता है। इसका सेवन काल में क्या क्या चीज खाना चाहिए, पथ्यकर क्या है, तो घी का सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, रबड़ी का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगर मेंढक का मांस अगर खा रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा फायदा होता है, मतलब ऐसा मटन खाना चाहिए जिसमें मेंढक डाला हुआ है। पहले के जमाने में लोग ऐसा खाते थे, उसी तरह से उड़ीद का सेवन करना चाहिए। तो ये पथ्यकारक है। तो इससे क्या होता है कि बाल अगर सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बलित और पलित है, खालित्य पालित्य है, वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से यह वयस्थापक है, समस्त रोगों का नाशक है। अन्य ग्रंथों में ऐसा बता रहे हैं कि इसमें कपूर डालना है, जायफल डालना है, काली मिर्च डालना है, लवंग डालना है। तो इससे जब बन जाता है तो वो मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज बन जाता है, अन्य ग्रंथों में ऐसा है। लेकिन यही प्रोसेस है, बाद में जो हम लोग और द्रव्य डाल के उसको बनाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें कपूर डालना है, काली मिर्च जायफल डालना है, लवंग डालना है, तो सिद्ध मकर ध्वज होता है। तो इसकी मात्रा भी दो दो रत्ती की मात्रा में लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मकर ध्वज में थोड़ा कस्तूरी डाल दिया तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो सिद्ध मकर ध्वज बन जाता है। इससे फिर क्या मतलब इस तरह से पूर्ण चंद्रोदय रस बन जाता है। अब और ग्रंथों में क्या क्या लिखा है वो मैं आप मंडला मंडकानी माशाष्णपिष्टानि भवन्ति पथ्यानन्ददा दायिन्यपराणि चात्र रतिकाले रतान्ते वा सेवितं रसेश्वरः मानहानिं कुरुत्येव प्रमदानां सुनिश्चितः कृतं स्थावरं च जंगमं च यद्विषं न विकारे भवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात् यथा मृत्युं जरो जयो अभ्यासान् मृत्युं जयति देहिनां तथायं साध्यकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः तत्रांतरे प्रसिद्धोऽयं मकरध्वज नामता। मतलब ये रस चंडांशु में ऐसे बता रहे हैं कि इसी का थोड़ा थोड़ा कुछ और मिलाकर बना दिया जाए तो यह मकरध्वज नाम से प्रसिद्ध होता है। और फिर बहुत सारी शंका होती है कि रस सिंदूर और पूर्ण चंद्रोदय में क्या डिफरेंस है। तो रस सिंदूर जो रहता है वह कैसा रहता है कि रस सिंदूर जो रहता है वह मतलब कैटलिस्ट के रूप में रहता है, और ये पूर्ण चंद्रोदय और ज्यादा प्रोसेसिंग करके बनाया हुआ रहता है, तो पूर्ण चंद्रोदय का ज्यादा पावर रहता है। अब ये स्वर्णयुक्त जो है दवाई, तो स्वर्णयुक्त होने की वजह से ये हृदय को शक्ति देता है, और शरीर में अगर विष जन्य संप्राप्ति हो गई है तो यह अगध का कार्य करता है, और इसमें स्वर्ण है तो यह विषग्न है, अगध द्रव्य है, यह हृदय को उत्तेजना देता है। हृदय अगर विष की वजह से या किसी भी कारण से बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मतलब उसकी गति बहुत वीक हो रही है, तो यह बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। उसी तरह से अभी हेमगर्भ पट्टली रस है, वह भी बहुत ज्यादा उत्तेजना देता है, वो पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी अच्छा करता है। लेकिन पूर्ण चंद्रोदय हेमगर्भ जैसा इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन यह भी उसी कैटेगरी में आता है, यह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से यह जब उत्तेजक रहता है तो यह क्या करता है, सभी स्रोत, सभी फिर धातु, सभी रक्त वाहिनियां, सभी को ने उत्तेजना देने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन को नियमित कर देता है। उसी तरह से इसमें ऐसा कभी कभी पाया जाता है कि पूर्ण चंद्रोदय रस अगर कभी कभी दे दिया जाए ना, तो कुछ कुछ पेशेंट में ज्वर जो है, बुखार आने लगता है,
तब हमें डोज जो है दो रत्ती से कम करना पड़ता है पहले, और कम करने के बाद जब उसको सातवीं हो जाए तब इसका डोज बढ़ाना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। और यह क्या करता है कि यह शरीर के घटकों का नाश न करके शरीर को अपायकारक मतलब नुकसान पहुंचाने वाले जो जंतु हैं उनका नाश कर देता है, मतलब अपने जो शरीर के सेल्स हैं उनको यह कुछ नुकसान नहीं करेगा लेकिन जंतुओं का नाश कर देगा। इसी तरह से जंतुघ्न इस रूप से ये पूर्णचंद्ररस को जाना जाता है। उसी तरह से यह पुराने से पुराना उरशत रहता है जिसमें बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा है, उरशत होने से खांसते खांसते बहुत ज्यादा खून आ रही है, तो उसमें यह क्या करता है कि रक्त वाहिनियों को बलवान कर देता है और ट्यूनिका इंटरना एक्सटरना मीडिया इनको ताकत दे देता है, तो यह स्तंभन कार्य भी करता है, रक्त का प्रसादन भी करता है। उसी तरह से यह उरशत में हीलिंग करता है, इसीलिए इसको उरशत में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग या सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग ना कोरोना काल में बहुत सारे वैद्य लोगों ने अपने आईसीयू के पेशेंट में किया और बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो गया और मतलब वो पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर हो गए, तो इसीलिए पूर्ण चंद्रोदय रस को इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ये जंतुजन्य विकारों को दूर कर देता है और रक्त को बलवान कर देता है, फुफ्फुस को मतलब जो लंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, फुफ्फुसावरण शोथ जो रहता है मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन जो रहता है उसको भी बहुत अच्छा पैदा करता है, फुफ्फुस का सन्निपात न्यूमोनाइटिस रहता है, ब्रोंकाइटिस रहता है, ब्रोंकेक्टेसिस रहता है, फाइब्रोसिस रहता है, ऐसे जो भी पैथोलॉजी रहती है लंग्स की उन सब में ये बहुत अच्छा कार्यकारी रहता है, इसलिए पूर्ण चंद्रोदय रस का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से यह हृदय की क्रिया को अच्छा कर देता है, जंतुघ्न कार्य कर देता है और जो डेड हो रहे सेल हैं उन सबको ये रीजनरेट करने लगता है, इसलिए पूर्ण चंद्रोदय रस का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसी तरह से कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि कुछ बच्चियाँ ऐसी आती हैं कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, मतलब कुछ ऐसी बच्चियाँ ऐसी आती हैं कि डिलेड माइलस्टोन रहता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यूट्रस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब यूट्रस का भी नहीं हो रहा है डेवलपमेंट, ओवरीज का नहीं हो रहा है, उनको मेनार्के नहीं आया है, ऐसे जब पेशेंट रहते हैं तो पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग जब करते हैं तो उनका गर्भाशय की वृद्धि अच्छे से होने लगती है, सेक्सुअली सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट अच्छे से होने लगता है। इसी तरह से जो बॉयज आते हैं उनका भी अगर पुरुषत्व नहीं आ रहा है, सेक्सुअली सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे दाढ़ी मूछें नहीं आ रही हैं और वो बच्चे के बच्चे हैं, आवाज़ भी लड़कियों की तरह है, या फिर उनमें जो मेल का जो कैरेक्टर्स है वो नहीं आ रहे, तो उनमें भी अगर दे दिया, या स्कॉटम की जो टेस्टिकल्स है उसकी वृद्धि नॉर्मल नहीं हो रही है, कभी कभी डिस्टेंडेड टेस्टिकल्स रहते हैं, अंदर ही रहते हैं इंग्वाइनल रीजन के अंदर, तो उस ये सब में क्या होता है कि नॉर्मल ग्रोथ को एनहांस करना इसके लिए पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग किया जाता है, तो स्त्रियों में भी और पुरुषों में भी पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग करने से फायदा होता है। या मैंने अपने जब मैं कॉलेज टाइम में था तो बहुत सारे हमारे सर लोग बहुत सारे लोगों को दिए थे, तो वो मैं प्रैक्टिकली देखा हूँ कि जैसे बहुत सारी लड़कियां आती थी हमारे सर के क्लिनिक में जिनका मतलब 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, लेकिन उनको मेनार्के नहीं आया, फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी नहीं डेवलप हुए, सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं हुए, मतलब हेयर ग्रोथ भी नहीं हुआ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, फेमिनिटी उनमें नहीं था, उनको पूर्ण चंद्रोदय रस जब दिया गया 3 से 6 महीना तक तो वो अपने आप डेवलपमेंट होने लगा। ऐसे बॉयज में भी अगर जब दिया गया तो मैंने देखा अपने आँख से देखा है कि इससे फायदा होता है। उसी तरह से कोई भी कारण से इंद्रिय शैथिल्यता आ गई है, कोई व्याधि के वजह से या मतलब आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, सुनने में बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई है किसी ना किसी वजह से, आजकल क्या है कि डॉक्टर्स लोगों ने मना कर दिया है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, प्रोटीन खाओ, मतलब स्नेहन तो पूरी तरह से बंद हो गया है, और उसके वजह से क्या होता है कि तो दिखने में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, फिर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, या फिर दिखना बहुत कम होने लगता है, चश्मा लग जाता है, सुनने में भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पहले कर्णनाद होगा, कर्णश्वेद होगा, फिर कर्णबधिरता आती है, स्मेल लेने में भी कम, सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है। ऐसे कंडीशन में भी पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग जब युक्तिपूर्वक करते हैं तो वह इंद्रियों को बल दे देते हैं। इसका कार्य तो वाजीकरण में बताया है लेकिन अगर हमने मेडिसिन के रूप में यूज किया तो जहाँ पर भी डिलेड माइलस्टोन है, ऑटिज्म के पेशेंट आते हैं उसमें भी पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह मज्जा धातु पे जितना शुक्र पे काम करता है उतना मज्जा धातु पे भी काम करता है, तो पूरा नर्वस सिस्टम के जितने भी बीमारियां हैं उन सब में यह काम करता है, जैसे मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, फिर एल्जाइमर्स डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उन सब में डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया, उन सब में ही इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है। और शुक्र पे भी अच्छा करता है, शुक्र का काम ही है कि रीजनरेट करना, नए नए सेल बनाना, इसलिए इसका प्रयोग करते हुए मैंने देखा है और बहुत अच्छा फायदा होते हुए भी देखा है। इसी तरह से कभी कभी नपुंसकत्व आ जाता है, मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता है, स्पर्म मोटिलिटी नहीं बढ़ता है, ग्रेड 1 2 3 4 ये बहुत ज़्यादा कम रहता है तो उसमें भी, या फिर इंद्रिय शिथिलता रहती है, इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, तो वहाँ मेल इनफर्टिलिटी में भी इसका प्रयोग जब करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसे कंडीशन में कपूर, जायफल और कस्तूरी यह अगर ऐड करके दे दिया जाए तो इससे और ज़्यादा ये पावरफुल बन जाता है, तो और अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कृत्रिम विष जो है, आजकल बहुत सारा केमिकल का हमारे शरीर में संयोग हो रहा है, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी, ऐसे कंडीशन में जो सेंद्रीय विष है, मतलब कार्बन से रिलेटेड जो भी विष है उनका, और जो निरेंद्रीय विष है, स्थावर जंगम के विष है, जो भी तरह के विष का संयोग जब हमारे शरीर में हो रहा है और बॉडी में कुछ ना कुछ दुष्परिणाम आ रहा है। अब आजकल मोबाइल टावर से भी बहुत ज्यादा ये आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, और उससे भी कैंसर की बहुत ज्यादा स्थिति बन रही है। ऐसे भी कैसे ना कैसे तरह से विष का संयोग बहुत ज्यादा होता है, तब भी पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग करने से रक्त का प्रसादन होता है, शरीर में निर्विषता आ जाती है, मतलब वह शरीर को शुद्ध कर देता है। क्योंकि इसमें क्यों करता है, क्योंकि इसमें स्वर्ण है, स्वर्ण जो है वह निर्विष कर देता है। तो पूर्ण चंद्रोदय ओवरऑल देखेंगे तो हृदय है, हृदय के लिए बहुत अच्छा रहता है, हृदय को उत्तेजना दे देता है, हृदय को बल दे देता है, रक्त वाहिनियों को प्रसादन करता है, रक्ताणुओं को नया बनाता है, रक्त का प्रसादन करता है, रक्त की रक्त वाहिनियां हैं उनको ये ताकत दे देता है। मतलब आयुर्वेद जो है ये एक ऐसा दवाई बनाता है कि पूरा बॉडी का कायाकल्प हो जाता है, पूरा बॉडी ही चेंज हो जाता है। एलोपैथी कैसा है कि अगर किसी को पेन हो रहा है तो पेन किलर देंगे, और वो पेन जो है ना उसका जो पाथवे है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, या फिर वो लोग ऐसे कुछ कुछ ऐसे दवाइयाँ देते हैं जैसे कि ये जो बीमारी होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आमबात की बीमारी रहती है ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि वो ब्लेड से काट रहे हैं और दर्द भी ना हो, और काट रहे हैं और इस तरह का वो लोग चिकित्सा करते हैं कि काटने के बाद भी दर्द ना हो, ऐसा दवाई देते हैं, लेकिन वो बीमारी बढ़ते जाते हैं, पाथवे को ब्लॉक कर दिया जाता है, बीमारी को वो ठीक नहीं करते हैं। आयुर्वेद कैसा करता है कि वो पाथवे को भी पूरा चेंज कर देगा, पूरा बीमारी को ही संप्राप्ति भंग करके रीजनरेट कर देगा, पूरा शरीर ही चेंज हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद जो है वो ज़्यादा कार्यकारी रहता है, और पूर्ण चंद्रोदय रस जो है वो स्टिमुलेट भी करता है, नया रीजनरेट भी करता है, और पूरा शरीर को ही बदल देता है। इसीलिए ये हृदय भी बताया है, विषज्ञ ने भी बताया है, रक्त का प्रसादन करने वाला बताया है, जंतुक ने बताया है, सेंद्रीय विषों का नाश करने वाला है, बल्ले है, बाजीकर है। इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है, इसमें स्वर्ण भस्म जो डाला है वो विषग्न है, और गर का नाश मतलब गर्गन है, गर विष का नाश करता है, और रस का प्रसादन करता है, रक्त का प्रसादन करता है, क्षय आदि के जंतु जो रहते हैं ट्यूबरकुलाइन बैसिलाई रहते हैं उनको ये मार देता है। तो इसलिए टीबी में भी अगर पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग कर दिया जाए तो पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवरी कर देता है। फाइब्रोसिस के कंडीशन रहते हैं, ब्रोंकाइटिस रहता है, कॉर्क पर्मनेल रहता है, सीओपीडी रहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा रहता है, उन सब में पूर्ण चंद्रोदय रस का बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। उसी तरह से बल्ले है, रसायन है, बाजीकर है, स्वर्ण भस्म, कज्जली है वो जंतुक ने, हृदय है, वैवाही है, विकासी है, रसायन है, और जो कपास का जो फूल है मतलब कॉटन का जो फ्लावर है वह रक्त का प्रसादन करता है और बाजीकर है, और कुमारी का जो रस है मतलब एलोवेरा का जो जूस डाल है उसमें भावना दी गई है वो यकृत का उत्तेजना करता है, पाचक पित्त का स्त्राव को अच्छा कर देता है, और रक्त यकृत का जो पित्त है बाइल है वह अच्छे से निकलने लगता है तो पाचन क्रिया अच्छा हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बताता हूँ कि पूर्ण चंद्रोदय रस को अलग अलग व्याधियों में देने से कैसे फायदा होता है। पूर्ण चंद्रोदय रस को वात ज्वर में अगर देते हैं तो वात ज्वर में बचना का चूर्ण के साथ, बड़ी इलायची के साथ और मिश्री के साथ अगर देते हैं तो, मधु के साथ देते हैं तो यह बहुत अच्छा फायदा करता है। पित्त ज्वर में पूर्ण चंद्रोदय रस को गुड़ुची के सत्व के साथ,
गुड़वेल सत्व जो बोलते हैं, अमृता सत्व, उसके साथ और पित्त पापड़ा के साथ अगर देते हैं चूर्ण के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ ज्वर जब है तो तुलसी और अदरक और पान का पत्ता के साथ अगर देते हैं तो कफ ज्वर में पूर्ण चंद्रोदय रस बल देता है, व्याधि को भी दूर करता है, रसायन भी करता है और व्याधि से निकालने में बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। उसी तरह से कोई भी साधारण ज्वर में पूर्ण चंद्रोदय रस को अदरक के रस और शहद के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। सन्निपात ज्वर में ब्राह्मी के रस के साथ और मधु के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो सन्निपातिक जो ज्वर रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मलेरिया का जो ज्वर रहता है उसमें करंज बीज के चूर्ण के साथ अगर दे दिया जाए तो यह मलेरिया के ज्वर में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब आता है तो इसमें मोती पिष्टी के साथ अगर दे दिया जाए और मधु के साथ दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जीर्ण ज्वर अगर रहता है, पुराना क्रॉनिक फीवर रहता है तो पिपली का चूर्ण के साथ और मधु के साथ अगर दे दिया जाए पूर्ण चंद्रोदय रस तो यह जीर्ण ज्वर को अच्छा काम करता है। अगर जीर्ण ज्वरातिसार है, ज्वर भी है और अतिसार भी हो रहा है तो शुंठी के साथ और मधु के साथ अगर दे दिया जाए तो ग्राही कार्य करके बहुत अच्छा फायदा करता है, या कुटज चूर्ण के साथ या बिल्व चूर्ण के साथ अगर दे दिया जाए तो अतिसार को ठीक कर देगा और जीर्ण ज्वर जो है उसको भी ठीक कर देगा। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज जैसे कंडीशन है जिसमें आव भी आ रहा है और खून भी आ रहा है तो इसमें बेलगिरी का जो चूर्ण होता है, बेल का चूर्ण के साथ अगर मधु के साथ दे दिया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा हीलिंग करता है और ये प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। इसी तरह से खून का अगर रक्तातिसार हो रहा है, खून युक्त आ रहा है तो उसमें अति विषा चूर्ण के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए और अडुलसा का जड़ के छाल के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पतला अगर लूज मोशन हो रहा है, बार बार लूज मोशन हो रहा है तो जीरा का चूर्ण और पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो पतला दस्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर संग्रहणी नाम का बीमारी है, क्रॉनिक जो IBS रहता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है, उसमें जीरा का चूर्ण, स्याह जीरा का चूर्ण इसके साथ में अगर और सौंफ के चूर्ण के साथ अगर दे दिया जाए तो IBS की कंडीशन में पूर्ण चंद्रोदय पूरी तरह से ग्रहणी कला को अच्छा कर देता है। या पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला अच्छा हो जाएगा तो मज्जा धरा कला अच्छा हो जाएगा और मज्जा धरा कला अच्छा होगा तो पित्त धरा कला अच्छा होगा। इसलिए ये जो पूर्ण चंद्रोदय है मज्जा धरा कला को भी अच्छा करता है, पित्त धरा कला को भी अच्छा करता है। अजीर्ण रोग अगर हुआ है तो शंख भस्म त्रिकटु चूर्ण के साथ और मधु के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस को दे दिया जाए तो यह बहुत अच्छे से अजीर्ण की अवस्था में फायदा करता है। अगर बवासीर का बीमारी है तो सूरन का जिमीकंद जो रहता है, सूरन के चूर्ण के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो यह अर्श में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला के काढ़ा के साथ अगर दे दिया जाए तो यह क्या करता है कि इंटेस्टिनल मसल्स को ताकत दे देता है, सिग्मॉइड कोलन को जो वीक हो गई है बार बार लेक्सेटिव ले लेके या कॉन्स्टिपेशन जो हो रहा है तो यह वहां सिग्मॉइड कोलन रेक्टम को ताकत दे देता है। इसलिए त्रिफला के काढ़ा के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला का काढ़ा 1 कप इतना मात्रा में देने से फायदा होता है। पांडु रोग में कुटकी का चूर्ण और लौह भस्म के साथ या मंडूर भस्म के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय दे दिया जाए तो पांडु रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है। राज यक्ष्मा में सीतोपलादी चूर्ण और मधु के साथ और वंशलोचन के साथ दे दिया जाए तो राज यक्ष्मा में पूर्ण चंद्रोदय रस बहुत अच्छा काम करता है। खांसी अगर आ रही है तो मुलेठी का चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, टंकन क्षार के साथ पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो हर तरह की खांसी में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर वातज कास है तो घी के साथ दें, अगर कफज कास है तो मधु के साथ दें। श्वास व्याधि में बेल के पत्तों का रस, कर्कट श्रृंगी के रस, अडुलसा के रस के साथ अगर ये दे दिया जाए पूर्ण चंद्रोदय रस तो श्वास व्याधि को काफी हद तक ठीक करने में फायदा करता है। स्वर भंग है तो ब्राह्मी का चूर्ण के साथ पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो स्वर भंग, आवाज बैठ गई, आवाज नहीं निकल रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अरुचि है तो नींबू और शहद के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर अपस्मार बीमारी है तो बचा नाम की वनस्पति होती है, उसके चूर्ण के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो उन्माद अपस्मार में बहुत अच्छा काम करता है। उन्माद में और उन्माद गजांकुश रस के साथ अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। वात व्याधि है तो एरंड के जड़ का रस के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो वात व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। आमवात की कंडीशन है तो शुंठी और त्रिकटु के साथ अगर दे दिया जाए या आम बतारी रस के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय दिया जाए तो वह संप्राप्ति को भंग करने में पूर्ण चंद्रोदय बहुत अच्छा काम करता है। अगर पेट में गुल्म रोग हुआ है तो हींग का चूर्ण घी के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस के साथ दे दिया जाए तो यह गुल्म रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोग है तो अर्जुन के छाल के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो
तो यह हृदय के विकारों में बहुत अच्छा काम करता है, हृदय को बल दे देता है। मूत्र कृच्छता अगर है तो गुडुचि का हिम बनाइए। हिम कल्पना आप लोगों को पता है, पानी में रख के डुबा के रखना है, और वह पानी के साथ गुडुचि का हिम के साथ पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए, तो यह वहां की संप्राप्ति को भंग करके मूत्र कृच्छता में बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्राघात अगर है तो तृण पंचमूल काढ़ा के साथ पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर बहुत ज्यादा सिफिलिस हो गया है, पूरे बॉडी में फैल गया है, तो यवक्षार के साथ या उपदंश सूर्य रस या व्याधिहरण रस के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय रस दे दिया जाए तो जो सिफिलिस है, गोनोरिया है, उपदंश है, उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर किडनी स्टोन है, पथरी का बीमारी है, किडनी स्टोन है, तो उसमें कुलथी के क्वाथ के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो पथरी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर धातु स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है तो हल्दी का रस जायफल के साथ या आंवला, नीम की छाल, शालमली के मूल के साथ अगर दे दिया जाए या भिंगराज रस के साथ अगर दे दिया जाए तो ये धातु स्त्राव जो हो रहा है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। कभी कभी स्वप्न दोष, नाइटफॉल की प्रॉब्लम्स बॉयज को होती है, मेल इनफर्टिलिटी का एक कारण होता है स्वप्न दोष, नाइटफॉल हो जाता है, तो उसमें यह कबाब चीनी के साथ या कपूर के चूर्ण के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय दे दिया जाए तो कबाब चीनी जो है वो नाइटफॉल में बहुत अच्छा पैदा करता है। पूर्ण चंद्रोदय रस नसों को ताकत दे देता है और शुक्र को भी बना देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, इसलिए स्वप्न दोष में इसको देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट आते हैं जिनको शीघ्र पतन हो रहा होता है, तो उसमें क्या करना है कि कपी कच्चू के बीज के साथ दे दें या शालमली के जड़ के साथ दे दें या फिर विदारी कंद या शतावरी के रस के साथ अगर दे दिया जाए तो इसमें भी शीघ्र पतन में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर मधुमेह है, डायबिटीज मिलेटस है, तो जामुन की गुठली के साथ या गुड़मार के चूर्ण के साथ दे दिया जाए तो डायबिटीज रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर वीर्य की वृद्धि बनाना है या स्तंभन करना है तो उसमें लवंग लेना है, अक्कल कारा लेना है, दालचीनी लेना है, केसर लेना है, कपूर लेना है, जायफल के साथ अगर दे दिया जाए तो ये वीर्य की वृद्धि भी करता है और स्तंभन कार्य भी करता है। अगर बहुत ज्यादा कृशता है, पेशेंट बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हुआ है, तो मैंने एक पेशेंट को ऐसा देखा था कि आईसीयू में एडमिट था और मेरे क्लासमेट ने क्या किया, जमद अग्नि सर की स्टूडेंट वो था, तो उसने पूर्ण चंद्रोदय रस अश्वगंधा के साथ दिया, तो यहाँ पर पूरा काला काला था और बहुत ज्यादा वीक था, तो अश्वगंधा के साथ देने से वह पूरा भर गया और वो हेल्दी हो गया, तो ऐसा देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से खून की कमी है तो मक्खन और मिश्री और लौह भस्म मंडूर भस्म के साथ पूर्ण चंद्रोदय दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उदर रोग है तो उसमें पिपली चूर्ण, कासिस चूर्ण, जलोदरारी रस इनके साथ अगर दे दिया जाए या यकृत प्लीहारी लौह के साथ दे दिया जाए या आरोग्य वर्धनी के साथ दे दिया जाए, जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से दे दिया जाए तो पूर्ण चंद्रोदय रस लीवर का जो सेरोसिस ऑफ लीवर जैसे कंडीशन है उसमें रीजनरेट करके बहुत अच्छा रिकवरी कर देता है। उसी तरह से मुख रोग में कपित का चूर्ण के साथ अगर दे दिया जाए तो मुख रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। श्वेत रोग है तो पुनर्नवा के चूर्ण के साथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ के साथ अगर पूर्ण चंद्रोदय दे दिया जाए तो श्वेत रोग में बहुत अच्छा काम करता है। अगर रक्त प्रदर हो रहा है तो नागकेसर चूर्ण या अशोक छाल या अशोका ऋषि के साथ पूर्ण चंद्रोदय दे दिया जाए या पुष्यानुक चूर्ण के साथ दे दिया जाए तो यह रक्त प्रदर में अच्छा काम करता है। इसी तरह से श्वेत प्रदर अगर हो रहा है तो लोद्र चूर्ण के साथ या फिर चावल का जो तंडुलोदक होता है, चावल का धुआं का पानी, या पुष्यानुक चूर्ण के साथ दे दिया जाए तो श्वेत प्रदर में भी पूर्ण चंद्रोदय बहुत अच्छा काम करता है। मतलब मैं इतना सारा व्याधि बता रहा हूँ तो हर व्याधि में अनुपान बदल बदल के इसका प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से सूती का रोग अलग अलग होते हैं तो प्रताप लंकेश्वर रस के साथ घोट के मधु के साथ दे दिया जाए तो यह सूतिका के जितने भी रोग हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ाना है तो हमें ये कांत लौह भस्म या फौलाद लौह भस्म इसका साथ अगर दे दिया जाए और मलाई मक्खन, अंगूर का रस, शतावरी का रस, पान का रस, अदरक का रस इसके साथ में अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो यह क्या रहता है कि इसमें स्वर्ण का मात्रा इतना ज्यादा है पूर्ण चंद्रोदय रस में, तो यह स्वर्ण का वजह से और सोना को बहुत अच्छा माना जाता है। स्वर्ण का जो भी कल्प रहता है, चरक संहिता में भी रसायन अध्याय में बताया, स्वर्ण जितना ज्यादा है उतना इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा बढ़ जाता है। कोई भी वजह से अगर क्षय के कीटाणु बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं,
जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो पूर्ण चंद्रोदय रस का देने से बहुत अच्छा फायदा हुआ था, और कांतिहीन हो गया, बुखार खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रक्त वाहिनियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, ऐसे सारे कंडीशन में अगर पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कोई भी कार्य, अगर कोई भी इंद्रियों का कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें भी पूर्ण चंद्रोदय रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अभी अभी का मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग का कोई भी प्रश्न है तो आप लोग इनबॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, फिर इंटरेक्टिव सेशन में आगे का हमको जो देखना है वो हम लोग देखेंगे, जो भी आप लोग का केसेस होगा उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्यवान नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोज जी शिंदे जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग का सभी लोग का प्रणाम, आप लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोग का प्रणाम। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रत्नेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी बोल रही हैं कि एटॉपिक स्क्वाटम में H37 मेल इनफर्टिलिटी एंजियोस्पर्म में दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप दीजिए, 3 से 6 महीना में आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यमान जी बोल रहे हैं यूरिया 121 बढ़ा है, मधुमेह से ग्रसित है। आप केवल यूरिया बढ़ा है और ऐसा क्वेश्चन कृपया मेरे से मत पूछिए, आप पूरा संप्राप्ति बताइए और पूरा केस अच्छे से बताइए। मेरे को यूरिया बढ़ा है, क्रिएटिनिन बढ़ा है, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। मुझे डिटेल में केस बताएंगे तो मैं आपको तब अच्छे से बता पाऊंगा। आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए और पूरा केस प्रेजेंट करिए, तब मैं बता पाऊंगा। यूरिया बढ़ा है तो एलोपैथी का हिसाब से आयुर्वेद के पैरेलल कुछ दवाई देना है, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। मैं ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं टेस्टोन लो में क्या दें? टेस्टोन लो है तो ये पूर्ण चंद्रोदय रस दे दीजिए। वृक्ष योग जो है, अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, ये सब जो वृक्ष, कपिकच्छू, मुसली, शिलाजीत, ये सब अगर देते हैं तो टेस्टोन लेवल बढ़ जाता है। कपिकच्छू ही सफिशियंट है, बहुत अच्छा फायदा करता है। या पूर्ण चंद्रोदय रस देंगे, मन्मथ रस देंगे, शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृका वटी, तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि यह कामोत्तेजक है तो अपस्मार उन्माद में कैसे काम करेगा? आप ना कोई भी चीज को ना उल्टा पुल्टा ऐसे मत समझिए, उसका अनुपान बदल दिया है। अपस्मार उन्माद में उन्माद गज केसरी रस दिया, मानस मित्र गुटिका दिया, ब्राह्मी वटी दिया, बचा चूर्ण दिया, अनुपान बदल के हम लोग मेडिसिन को उस स्रोतस में लेके जाते हैं, मनोवह स्रोतस में ले जाएंगे, अनुपान वैसा हो जाता है तब ये काम करेगा। आपके दिमाग में कामोत्तेजना है तो कामोत्तेजना की दृष्टि से मत देखिए, यह अनुपान के बदलने, अनुपान बदल बदल के देते हैं तो इसका कार्य बदल जाता है। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर गोविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कभी कभी रोगी स्तन वृद्धि के लिए आते हैं तो क्या उससे लाभकारी होगा और सहायक औषध क्या दें? तो इसमें रोहित गवस रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और स्तन वृद्धि के लिए जो आते हैं तो ब्रेहणीय गण जो रहता है, ब्रेहणीय गण का जो दवाई रहता है जैसे अश्वगंधा हो गया, विदारी हो गया, मुसली हो गया, इसका इंटरनल सेवन कराइए और उसका लेप भी लगाइए वहां पर, तो वह ब्रेहण करता है, मांस धातु का वृद्धि करता है, तो वह स्तन वृद्धि का। और इंटरनल दवाई में भंग भस्म दे दीजिए, पूर्ण चंद्रोदय दे दीजिए, जहां पर भी वृद्धि रुकी हुई है वहां पर यह वृद्धि कर देता है, क्योंकि शुक्र धातु पे काम करता है और शुक्र धातु का काम है रीजनरेट करना, इसलिए ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रत्नेश जी बोल रहे हैं हेमिप्लेजिया में बताइए प्लीज, हेमिप्लेजिया क्या बीमारी होते हैं मुझे नहीं मालूम, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद का क्वेश्चन पूछिए प्लीज। डॉक्टर जितेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग को जो भी प्रश्न है आप लोग इंटरेक्टिव सेशन में आइए और हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सब क्वेश्चन ना पूछे। आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद में आप लोगों ने क्या डायग्नोज किया, आयुर्वेद की बीमारी बताइए, एलोपैथी की बीमारी बना के और आयुर्वेद का कोई पैरेलल दवाई, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। आपको आयुर्वेद अगर जानना है तो आयुर्वेद का संप्राप्ति बताइए, हेतु बताइए, लक्षण बताइए आयुर्वेद का, तभी हम आपको सहायता कर सकते हैं।
अगर ये सोच के आ रहे हैं कि कोई फॉर्मूला मिल जाएगा और कोई ये दवाइयाँ टोटका फॉर्मूला दे के हम लोग चिकित्सक बन जाएंगे, तो वो आप सिद्धि साधित या छद्मचर वैद्य होंगे। आपको अगर अच्छा चिकित्सक बनना है, प्राणाभिसार वैद्य बनना है, तो आयुर्वेद का मेथड जो है आयुर्वेद के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, संप्राप्ति पर। और आयुर्वेद का टर्मिनोलॉजी यूज करने में क्या शर्म आ रही है कि हेमिप्लेजिया को पक्षाघात नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या शर्म आ रही है कि नहीं बोलना है? अपना भारतीय है इसीलिए आप हेमिप्लेजिया को पक्षाघात नहीं बोलेंगे? आप जब तक ऐसा प्रश्न मेरे से उल्टा पुल्टा पूछेंगे तो मैं भी आपको आंसर नहीं दूंगा। आप आयुर्वेद का प्रश्न पूछिए, आयुर्वेद का उत्तर देंगे। मैं आपको फ्री इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी देता हूँ, और आप लोग आइए उसमें, आप लोग पूछिए, और मॉडर्न के टर्म ना यूज करके आयुर्वेद के टर्म यूज करिए। अगर आपको मालूम है तो पूछिए, अगर नहीं मालूम है तो भी पूछिए। लेकिन हेमिप्लेजिया में क्या देंगे? हेमिप्लेजिया में क्या कोई बाबा जी का टोटका है क्या कि ऐसा भभूत लगा दिया और ठीक हो गए? ददरू के बारे में, ददरू में तो है ना, आप पहले हेतु निकालिए, क्या हेतु है, संप्राप्ति क्या है और क्या सिम्टम और है ददरू में। ऐसे मैं कुछ दवाइयां बताता हूँ, तो गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता है, वृहद हृद्राखंड अच्छा काम करता है, गंधक द्रुति अगर लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है, सूक्ष्म त्रिफला अच्छा काम करता है, फिर अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, आरोग्य वर्धनी, ये सब द्रव्यों में से कुछ सेलेक्ट करिए और ददरू में दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, 8 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम।